हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल में। मौलिक अधिकारों की क्लास में हमारी तीन क्लासेस हो चुकी थी, आज हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम फाइनली जो चीज़ें बची हुई हैं, जितने मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर आगे के मौलिक अधिकार बचे हुए हैं उन सब मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ रिट जानेंगे, रिट क्या होती हैं, और अनुच्छेद 33, 34, 35 के बारे में एक दो बातें हम यहाँ जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अगला हमारा मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ठीक है। और ये अनुच्छेद 29 से 30 तक फैला हुआ है। अब ये जो मौलिक अधिकार है इसका नाम है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, लेकिन असलियत ये है कि ये जो मौलिक अधिकार है ये अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब है कि ऐसे लोग जो 50% से, इंडिया में जो टोटल जनसंख्या मान लीजिए 100% है, तो 50% से जितने भी कम हैं वो सब क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो इंडिया में देखा जाए तो हिंदू ही 78% हैं वर्तमान में, लगभग 78% जनसंख्या हिंदू है, तो बाकी के बचे हुए सब अपने आप क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे, ठीक है। 50% से कम जितने हैं, तो ये 50% से कम बाकी के सभी धर्मों के लोग हो ही जाएंगे। तो जितने भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों से संबंधित ये अधिकार है, क्योंकि उनके अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे संख्या में कम हैं तो उनका शोषण हमारे देश में नहीं होना चाहिए, इस बात का पूरा ख्याल रखा था संविधान निर्माताओं ने। तो इसका नाम जरूर है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, लेकिन असलियत में ये अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित अधिकार है। इसमें जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 कहता है कि भाषा, लिपि एवं संस्कृति, भाषा लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी कि प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को ये राइट दिया गया कि वह अपनी भाषा, जो भी उसकी भाषा है, जो भी लिपि है, लिपि मतलब लिखना, लिखने की जो कला है, और अपनी संस्कृति, संस्कृति का मतलब है जिस तरीके के त्यौहार वे मनाते हैं, जिस तरीके की मान्यताएं वे मानते आए हैं आज तक, ठीक है, तो वे सब उनको बनाए रखने का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्गों को, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से उसके त्यौहार या उसकी मान्यताओं को मानने से मना नहीं कर सकता या उन्हें मानने से रोक नहीं सकता, ये अनुच्छेद 29 राइट देता है, ठीक है। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30। यह कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं भारत में, वे शिक्षा संस्थाओं की यानी कि स्कूल कॉलेज स्थापित कर सकते हैं, और उनका मैनेजमेंट कैसे करना है ये भी अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के हाथ में छोड़ दिया गया है, ठीक है। आप जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि इस स्कूल में हिंदू टीचर नियुक्त किए जाएंगे। अल्पसंख्यक वर्ग जैसे किसी मुसलमान ने कोई स्कूल खोला या किसी क्रिश्चियन ने कोई स्कूल खोला, तो वो जैसे चाहेगा उसका मैनेजमेंट करेगा, ये उसके ऊपर है, ठीक है। चलिए, तो ये दो आर्टिकल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगला अनुच्छेद है हमारा 31, और अनुच्छेद 31 के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये संपत्ति का मौलिक अधिकार हुआ करता था किसी समय, अब इसे संपत्ति के मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार हुआ करता था अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 31 में, और अब इसे इस श्रेणी से हटा दिया गया है। अब ये क्या कहलाता है, अब ये कानूनी अधिकार कहलाता है, क्योंकि ये कानून बनाकर दिया गया है, या फिर इसे विधिक अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार ये है। संपत्ति का मौलिक अधिकार ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, यानी कि अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया, और संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300A में इसका वर्णन अब किया गया है, ठीक है। तो अब कहाँ चला गया है, अनुच्छेद 300A में चला गया है संपत्ति का मौलिक अधिकार, ठीक है, या फिर आर्टिकल 31। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केवल 31 हटा है, अनुच्छेद 31 हटा है, अनुच्छेद 31 के साथ तीन और हैं, अनुच्छेद 31A, B और C, ये तीनों
आज भी लागू है, आज भी मान्य है, ये तीनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, केवल अनुच्छेद 31 हटा है, 31A, 31B, 31C पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ा है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी, ये आपको जाननी थी। अब इसके आगे का मौलिक अधिकार है हमारा, इसके आगे का मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये अनुच्छेद 32 है हमारा। हमारा जो अनुच्छेद 32 है, 32 के बारे में संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमारा जो अनुच्छेद 32 है ये हमारे संविधान की आत्मा और हृदय, आत्मा और हृदय दोनों का काम करेगा। याद रखना, यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। पहला बनता है कि हमारे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। देखिए, संविधान की अगर केवल आत्मा पूछी जाए तो प्रस्तावना है, और अगर आत्मा और हृदय पूछा जाए तो अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले में, मौलिक अधिकारों का हनन होता है किसी भी केस में, तो किसी भी व्यक्ति को सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। जैसे अगर मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं खुले में सांस ले सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ पूरे भारत में घूम सकता हूँ, जहाँ चाहूँ उस स्टेट में, उस राज्य में, उस शहर में रह सकता हूँ, ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये हमें संविधान ने प्रदान किया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका हनन करता है, मुझे कहीं पर रहने से रोकता है या किसी स्थान पर जाने से रोकता है, तब मैं सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता हूँ। अनुच्छेद 32 मुझे सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो आपसे पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि रिट कितने प्रकार की होती हैं। तो रिट 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार के निर्देश कह सकते हो सर्वोच्च न्यायालय हमारा जारी करता है। कौन से हैं वो 5 प्रकार के निर्देश। एक होता है आपका अधिकार परीक्षा, एक होता है प्रतिषेध, एक होता है उत्प्रेषण, तीसरा एक होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, और एक होता है परमादेश। इनके क्या है, इनके आपसे पूछे जाते हैं, इन 5 रिट के आपसे इनका मतलब पूछा जाता है कि इनका मीनिंग क्या है, इनके मीनिंग से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, अधिकार परीक्षा का मतलब है किस अधिकार से। कोई व्यक्ति है जो किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, सार्वजनिक पद का मतलब है किसी सरकारी पद पर बैठा हुआ है, और बिना लीगल डॉक्यूमेंट के, बिना किसी लीगल कार्रवाई के बैठा हुआ है, तो उससे जवाब मांगा जा सकता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हुए हैं। दूसरा है प्रतिषेध, इसका मतलब होता है रोकना किसी चीज़ को, प्रोहिबिशन इसे कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर कोई कार्रवाई करता है, या कोई न्यायालय, कोई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर कोई कार्रवाई करता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी मामले में सुनवाई करने का अधिकार होता है केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट का। अब राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी मामले में कोई हाई कोर्ट सुनवाई करने लगा, यूपी हाई कोर्ट मान लीजिए सुनवाई करने लगा, तब ऐसे केस में क्या हो सकता है, ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जवाब मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से हाई कोर्ट के खिलाफ प्रतिषेध की रिट जारी कर सकता है और कह सकता है कि मामले को वहीं पर रोक दो। इसका मतलब क्या होता है, रोक दो। उत्प्रेषण का भी मतलब होता है रोक दो, लेकिन ये रिट तब जारी की जाती है प्रतिषेध की जब मामला किसी दूसरे न्यायालय में चल रहा हो, और उत्प्रेषण तब जारी की जाती है जब मामला चल चुका हो, कार्रवाई हो चुकी हो और निर्णय भी आ चुका हो कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को रद्द कर सकता है और मामले को अपने पास बुला सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है बंदी को सशरीर प्रस्तुत किया जाना। मान लीजिए कोई मुझे किडनैप कर लेता है या बंदी बना लेता है, तो इस स्थिति में जो रिट जारी की जाती है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे हैबियस कार्पस कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, कोर्ट रिट जारी करता है और कहता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को
सशरीर यानी कि शरीर सहित हमारे समक्ष कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, अगला है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है मैंडेमस, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, यानी कि हम आदेश देते हैं यानी कि अगर कोई सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट उसके खिलाफ़ परमादेश की रिट जारी करेगा और उसमें वो कहेगा कि इस कार्य को आप कीजिए, ऐसा करने के लिए हम आदेश देते हैं। ठीक है, तो रिट कितने प्रकार की होती हैं भैया? रिट 5 प्रकार की होती हैं, इनको आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये था हमारा अनुच्छेद 32। एक चीज़ और मुझे बतानी है कि जैसे अनुच्छेद 32 हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देता है मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले में, वैसे ही अनुच्छेद 226 सीधे हाई कोर्ट जाने की अनुमति देता है मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले में। दोनों आर्टिकल लगभग सेम है, ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए अनुच्छेद 33। आर्टिकल 33 जो अनुच्छेद 33, 34 और 35 हैं, ये सैन्य बलों से संबंधित मौलिक अधिकार हैं। यानी कि इनमें सेना और उससे रिलेटेड फोर्सेज से रिलेटेड मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है 33, 34, 35 में। अनुच्छेद 33 कहता है कि जो भी हमारी पुलिस है, पुलिस, आर्मी और इंटेलिजेंस सर्विसेज, यानी कि जो IB और रॉ वगैरह में जो लोग काम कर रहे हैं, जितने भी भारतीय काम कर रहे हैं, उन सबके मौलिक अधिकारों को अगर संसद चाहे तो न्यून कर सकती है यानी कि कम कर सकती है। हमारी आर्मी को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होती लेकिन हम लोगों को होती है। ठीक है, तो ये कुछ अधिकार हैं जो सैन्य बलों को, पुलिस को बहुत सारे मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते जो एक सामान्य नागरिक को प्राप्त होते हैं। काफ़ी बड़ी उन्हें कीमत इस बात की चुकानी पड़ती है। तो आर्मी हो गया या पुलिस हो गया, ये सब धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते लेकिन सामान्य नागरिकों को होता है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे अधिकार हैं तो संसद चाहे तो पुलिस, आर्मी और इंटेलिजेंस सर्विसेज, इन सब लोगों के मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है? न्यून कर सकती है। ये राइट दिया गया है हमारी संसद को। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 34। अगर भारत में कहीं पर मार्शल लॉ लागू है तो मार्शल लॉ लागू यानी कि इसमें कह सकते हैं सैन्य शासन, अगर सैन्य शासन है भारत में तो उस समय जो मौलिक अधिकारों की हानि होगी उसकी भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति करने का अधिकार संसद को होगा। मतलब मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले में मार्शल लॉ के से संबंधित मामले में कानून बना सकती है हमारी संसद। अगर कहीं पर मार्शल लॉ लागू है, अगर सैन्य शासन लागू है, भारत में कितनी बार हुआ है सैन्य शासन लागू कितनी बार हुआ है कोई बताएगा बच्चा? अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है भारत में सैन्य शासन, तख्ता पलट कह सकते हो या सेना का शासन कह सकते हो, अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में कई बार हो चुका है, हालांकि आज़ाद तो हम दोनों साथ साथ हुए थे। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर कहीं पर सैन्य शासन लागू है भारत में तो ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकारों से संबंधित नियम कौन बना सकता है? संसद बना सकती है और उनसे जो क्षतिपूर्ति हुई है उसे संसद पूरा कर सकती है। अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35। देखिए अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो संसद है कुछ विशिष्ट अधिकारों से संबंधित कानून बना सकती है। कुछ विशिष्ट अधिकार हैं जिनसे संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसे दी गई है? भारत की संसद को दी गई है। ठीक है, तो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, पूरे हमने पढ़ लिए अनुच्छेद 12 से लेकर पूरा 35 तक, एक एक आर्टिकल हमने पढ़ा है। इनको याद करने का तरीका क्या है, आप इनको रिवाइज करिए और समझिए कि कौन से आर्टिकल में कौन से मौलिक अधिकार हैं। बार बार रिवाइज करिए और लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको याद हो जाएंगे। मौलिक अधिकारों से संबंधित एक एक आर्टिकल जो है, एक एक अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, इसीलिए इनको आपको याद करना जरूरी है। एक प्रश्न और है, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आता है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है। तो देखो मौलिक अधिकारों की प्रकृति है नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब है ये हमें राज्य के यानी कि सरकार के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, न कि सरकार के पक्ष में प्राप्त होते हैं। ठीक है, हम सरकार के खिलाफ केस कर सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है, तो सरकार खुद हनन करती है तो इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? नकारात्मक है। ठीक है, एक बात और मुझे आपको बतानी थी कि कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, जिनमें अनुच्छेद 15
अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये पांच आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है। ठीक है, दो तीन बातें और मुझे बतानी है आपको। देखिए, अगर जैसे भारत में आपातकाल लागू हो जाता है तो आपातकाल के लागू होते ही अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है, स्वतः ही निलंबित हो जाता है, वो अस्तित्व में नहीं रहता। यानी कि अनुच्छेद 19 में जो अधिकार दिए गए हैं, जैसे कहीं भी आना जाना, कुछ भी कहना, कहीं भी रहना, ये सारे आर्टिकल जो हैं आपके समाप्त हो जाते हैं, ये सारे अधिकार जो हैं आपके समाप्त हो जाते हैं। और अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होते, आपातकाल लागू हुआ हो चाहे कोई भी कंडीशन हो। और बाकी के जितने अनुच्छेद हैं उन्हें राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो ये थी मौलिक अधिकारों से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी प्रश्न हो आपके, कमेंट करिए, बताइए क्लासेस कैसी लगी आपको, इस बारे में भी बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।